कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जिसमें आप जानते हैं कि हम एमसीक्यू के माध्यम से आपका सीजीपीएससी का पूरा कोर्स को कवर करा रहे हैं। पहला बेनिफिट ये होगा कि आपको पिछले साल में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और अपकमिंग एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछने की संभावना है आपको उसका आइडिया होगा, प्लस आपका जो कॉन्सेप्ट होगा हर क्वेश्चन का वो भी क्लियर होगा और आपका पूरा जो आपका सिलेबस है वो साथ में आपका पूरा कवर हो जाएगा कम समय में। तो इस सीरीज में बने रहना और सारे वीडियोज़ को देखना अंत तक, और उसके बाद जो मैं डाउट सेशन पे आऊँगा तो अपने डाउट भी आप पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत अच्छा होने वाला है और वो टॉपिक है हमारा प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट को हम बोलते हैं लाभ और लॉस को बोलते हैं हानि, ठीक। प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि, ठीक। अब इसमें जो टर्म्स यूज होंगे और क्या क्या चीज़ होता है एक बार उसके हल्के से बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, बाकी हम क्वेश्चन के साथ और समझेंगे। सबसे पहला इसमें जो होता है वो आपका होता है सीपी। इस सीपी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब ये हमारा हुआ क्रय मूल्य, जिस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक। दूसरा हमारा होता है एसपी। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ये हमारा होता है सेलिंग प्राइस, इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य, जिसमें हम किसी वस्तु को बेचते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, इस पर सामान को खरीदा जाता है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जिसमें सामान को बेचा जाता है, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर आपका एसपी बड़ा होगा सीपी से, मतलब आप कम में ला रहे हैं और उसको आप ज़्यादा में बेचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उस कंडीशन पे आपको यहाँ पर क्या होगा, आपको होगा प्रॉफिट। होगा प्रॉफिट। मान लीजिए आपने एक वस्तु को 120 में आपने खरीदा है और आपने उसको 150 का बेचा है, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, आपको लाभ हो रहा है। आप देख के बता देंगे लाभ कितने का हो रहा है, लाभ आपको 30 रुपए का हो रहा है। तो वो जो लाभ आपका प्रॉफिट, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, पी बराबर क्या हो जाएगा, एस पी माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पी। ये हम जानते हैं लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट परसेंट भी निकालना होगा। तो जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो हमारे पास होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा नीचे आपका क्रय मूल्य होगा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्या होगा, 100 होगा। ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकलेगा प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा, अब मान लीजिए आपने सामान कितने का लाया, आपने 180 में सामान बेचा और आपने 200 में खरीदा, ठीक है भाई, खरीदा आपने 200 में, बेचा आपने 180 में, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो मतलब ये होगा कि जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर क्या होता है, उसमें हमको लॉस होता है, और लॉस बराबर क्या होता है, सी पी माइनस एस पी होता है, और लॉस परसेंट बोलेगा तो ये होगा लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, चाहे आपका लाभ हो या आपका हानि हो, दोनों के दोनों हमेशा क्या होगा, दोनों की गणना किस पे होगी, दोनों की गणना क्रय मूल्य पर होती है, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट। अब आपको सपोज इस प्रॉफिट वाले केस में, आपको इसमें बोला है कि आपको एसपी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, सीपी इनटू 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। जब क्या निकालने बोलेगा, एसपी निकालने बोलेगा, सीपी और क्या देगा, प्रॉफिट परसेंट देगा, तो ठीक। अब अगर सपोज आपको इसी में आपको सीपी निकालने बोला है तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा एसपी इनटू 100 अपॉन यहाँ पर क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा, ठीक है। आपको एसपी और सीपी देगा तो आपको प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट निकालने बोलेगा, या लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालने बोलेगा, या आपको सपोज एसपी दिया है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट देगा तो आपको सीपी निकालने बोलेगा, और आपको सीपी के साथ में प्रॉफिट या लॉस परसेंट देगा तो आपको एसपी निकालने बोलेगा। अब प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, प्लस लेके चल रहे थे। अब अगर लॉस बोलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस में करेंगे, ठीक। ये वर्ड यूज होगा। तीसरा जो आपका वर्ड यूज होता है वो आपका होता है एमपी। इस एमपी का हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य। वस्तु पे जो रेट को टैग किया जाता, जो लिखा हुआ होता है, वो उसका यहां पर क्या होता है, वो हमारे पास उसका अंकित मूल्य एमपी होता है, अंकित मूल्य। और उसके बाद हमारे पास होता है डी। डी से हम समझते हैं कि वहां पर क्या दिया जा रहा है, आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। उस डिस्काउंट को हम लोग यहां पर बोलते हैं छूट। इसको हम क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि सर आप समय नहीं देते सॉल्व करने का, ठीक है। तो पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा। आपको यहाँ पर दिया है इफ अ पर्सन सेल्स अ मोबाइल फॉर रुपीज 5200, मतलब कोई व्यक्ति 30% का लाभ कमाकर 5200 में मोबाइल बेच देता है। तो आपको एसपी दिया हुआ है 5200, आपको एसपी दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट परसेंट भी साथ में दिया हुआ है 30% का, और आपको निकालना है सीपी। हम फॉर्मूला जानते हैं, सीपी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, एसपी इनटू 100 अपॉन क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ प्रॉफिट हो रहा था, कितना हो जाएगा, 130। 0 0 कैंसल, ये होगा 40, और 40 इंटू 100 ये कितना आ जाएगा, 4000। ये हमारा आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, इसको आप सॉल्व कीजिए। ये आपको बोला है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। मतलब एसपी 40 का जो एसपी है वो 50 के सीपी के बराबर है, यही हमको बोला है। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ये कंडीशन हमको बोला है। तो हम इसको इसके नीचे लाए तो यहाँ पर बना एसपी बटे सीपी इक्वल टू 50 बटे 40। तो ये हमारे पास कितना आया, 4 और 5 का रेशियो आ गया, ठीक है, 5 और 4 का रेशियो आ गया। तो इसमें एसपी है हमारे पास 5, सीपी है हमारे पास 4, तो हमको क्लियरली समझ में आ रहा है एसपी बड़ा है सीपी से, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 में से 4 गया, 1 का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट परसेंट निकालने बोलेगा तो ये प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100 हुआ। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, और हमारे पास कितना आ गया, 25%, ये हमारा आंसर आ गया प्रॉफिट, ठीक है। इसी से मिलता जुलते एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, ये आपको कैसा पूछ सकता है। आपको सपोज बोला है कि आपका जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट एसपी का मान लो 2/5 भाग है। प्रॉफिट क्या दिया आपको, एसपी का 2/5 भाग है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगता है लेकिन थोड़ा बहुत एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो प्रॉफिट एसपी का 2/5 है, इसका मतलब पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी इंटू
टू अपॉन फाइव, ये इधर आया तो पी अपॉन एस पी, ये मेरे पास आया टू अपॉन फाइव। तो यहाँ मैं समझ गया पी कितना है टू, एस पी कितना है फाइव, तो सी पी कितना हो जाएगा एस पी माइनस प्रॉफिट, तो फाइव माइनस टू ये कितना आ जाएगा तीन। अब आप देख सकते हैं आपके पास प्रॉफिट है दो का, प्रॉफिट दो का है ना, प्रॉफिट आपका दो का है, सीपी आपको थ्री दिया हुआ है, तो हम इजीली यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रश्न आपको ये बोला है कि दो साइकिलें प्रत्येक 3990 में बेची गई, मतलब आपका जो पहला वस्तु है उसका भी एस पी कितना है, उसका एस पी है 3990, और जो दूसरा है इस दूसरे का जो एस पी है ना वो भी 3990 ही है, दोनों का एस पी समान है 3990 ही है। फर्क क्या है कि पहले वाले में आपको 5% का प्रॉफिट हो रहा है और सेकंड वाले में आपको 5% का यहाँ पे लॉस हो रहा है। फर्स्ट में आपको प्रॉफिट हुआ 5% का और सेकंड में आपको लॉस हुआ कितने परसेंट का, 5% का लॉस हुआ। ठीक है, तो हम ये समझ गए हैं कि पहले का एस पी 3990 है, दूसरे का 3990 सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, पहला काम आपको निकालना पड़ेगा टोटल एस पी करना पड़ेगा, और आपको ये दिया है 5%, तो यहाँ से अपन लोग क्या निकालेंगे, सी पी निकालेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि सेम परसेंट है, अगर आपको सेम परसेंट का प्रॉफिट और सेम परसेंट का लॉस होता तो अपने को कुछ नहीं करना है आपको इस कंडीशन पे। आपको एसपी कितना भी हो, चाहे वो 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 30 रुपये, या एसपी नहीं देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस कंडीशन में हमेशा यहाँ पर क्या होता है, लॉस ही होता है। और वो लॉस मान लो प्रॉफिट और लॉस सेम एक्स परसेंट का हो रहा है तो लॉस होगा, और वो लॉस होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस आपको होता है। तो यहाँ पर इस एक्स का वैल्यू कितना है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 100 करेंगे तो ये आ गया 25/100, और यहाँ पे कटेंगे तो हम जानते हैं कि 0.25%, और ये किस में आएगा, और ये हमको लॉस में आएगा, तो हमारे पास ये जो होगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको सपोज़ ये जो है दोनों आपको अलग अलग देता है ना, उस कंडीशन पे क्या करेंगे आप, इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, आपको एसपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया तो सीपी निकालेंगे, फिर ये करें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। पहले मोहन क्या कर रहा है, पहले कंडीशन पे मोहन को 11.5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसको बाद में मालूम चला कि उसको 38.5% का लाभ और हो सकता था। पहले उसको प्रॉफिट हो रहा है 11.5% का, उसको बाद में लगा कि मुझे 38.5% का और प्रॉफिट हो सकता है, कब, अगर मैं उसको 8100 रुपीस अधिक में बेच देता। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर वो ज़्यादा पैसे में बेचेगा, पहले जितने पैसे में बेच रहा था उसकी जगह और ज़्यादा पैसे में बेचेगा तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट आपका 11 से 38.5% हो गया है, तो प्रॉफिट में कितने का वृद्धि हुआ है, प्रॉफिट में आपका 27% का वृद्धि हुआ है, और पैसे में कितना वृद्धि हुआ है, 8100 का, 8100 का वृद्धि हुआ है। तो मान लेते हैं सीपी हमारे पास एक्स है, उस वस्तु का सीपी अपन लोग क्या मान लेते हैं, एक्स, तो 27% ऑफ जो एक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 8100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27/100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू 8100, और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 27, एक बार में कटेगा और यहाँ पे 300 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 ये हमारा आंसर होगा, दैट मीन्स ये हमारा आंसर।
स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, और ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछने की संभावना आपको रहती है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक फूलदान को 2880 में बेचकर 20% का हानि हो रहा है, ठीक है। तो पहले में एसपी आपका हुआ 2880, ये आपका एसपी हुआ, तो आपको यहां पर क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, आपको 20% का लॉस हो रहा है। तो पहला काम हम एसपी निकालेंगे, एसपी कितना हो जाएगा 2880 इंटू 100 अपॉन लॉस हुआ है ना, प्रॉफिट में क्या होता है प्लस होता है, लॉस में क्या होगा माइनस होगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 80। यहां तक क्लियर हुआ, ये हमारे पास सीपी हुआ। अब बंदा क्या चाह रहा है, अब वो बंदा चाह रहा है कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो, तो भाई प्रॉफिट और लॉस जो होगा सीपी पे होगा। तो अब सीपी हमारे पास ये आ गया है, तो एसपी कितना हो जाएगा उस कंडीशन में, 20 का है तो 120/100, ये दोनों कटा, 4 से कटा 30 बार में, 4 से कटा 20 बार में, 0-0 कैंसिल हुआ, इससे हम काटे तो ये आया 1440 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4320, ये हमारा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले में आते हैं, लाभ और हानि में एक चीज याद रखिएगा, आपको जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ा, आप सपोज वस्तु को लेके आ रहे हैं, उसको आप बनवा रहे हैं, या सपोज आपने उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा किया है, वो जितने भी पैसे हैं आपके एक्स्ट्रा, वो आपके क्रय मूल्य में जुड़ के वो कहलाएगा वास्तविक क्रय मूल्य। सपोज आपने घड़ी लिया, 200 रुपये का, ठीक है, और उसको बनवाने में खर्चा किया आपने 50 रुपये का, बनवाने में खर्चा किया, तो आपने घड़ी 200 का लिया है और 50 रुपये आपने उसके मरम्मत में और खर्चा करा है, तो आपको उस घड़ी का वास्तविक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, क्यों, 200 आप लेके आए और 50 रुपये आपने क्या किया, एक्स्ट्रा खर्चा किया आपने। तो सेम उसी में यहाँ पर क्या होगा, प्रखर ने यहाँ पर कार खरीदी है, कार कितने में खरीदी है, कार खरीदी है 50,000 में, और उसमें एक्स्ट्रा खर्चा कितना किया, उसमें एक्स्ट्रा उसने 4,000 और खर्चा किया, तो इस प्रकार उसको उसको वो जो कार है ना, उसको वो कार पड़ रही है अंतिम में, उसको वो कार आपको अंतिम में प्रखर को कार 5400 का पड़ रहा है, ठीक है भाई, 5400 में, 54,000 में कार ला लिया है, ठीक, बहुत सस्ते में मिल गया उसको कार, और क्या कर रहा है, उसको कितने में बेच रहा है, 60,000 में बेच रहा है, तो लाया उसको 54,000 में और बेच उसको 60,000 में रहा है ना, तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये बड़ा है, मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट आपका एसपी माइनस सीपी होता है, इसको इससे माइनस कर दिए तो प्रॉफिट मेरे पास कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया मेरे पास 6,000, प्रॉफिट आ गया 6,000, और हमको प्रॉफिट 6 आने के बाद हम सीपी जानते हैं, सीपी हमारे पास क्या है, 54,000 है, तो प्रॉफिट परसेंट बोलेगा मल्टीप्लाइड, अपन लोग क्या करते हैं, सरकारी फॉर्मूला यही है, तो ये 30 कटा, ये 30 कटा एक बार में और ये 9 बार में, तो हमारे पास अंत में क्या बचा, 100/9%, 100/9% है ना, ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो जब ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, 11/1/9%, ये हमारा आंसर अंतिम में आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में आप 33/1/3% होता है, 16/2/3% होता है, सबको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग पहले कर चुके हैं, ये बीच में इसमें डाला हूं ताकि आप वहां पे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, यहां पे उसको बना सके, इजी है। 12 कलमों का विक्रय मूल्य 18 कलमों क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब एसपी 12 एसपी
18 सीपी के बराबर है, ये इसके नीचे आया एसपी अपॉन सीपी, ये आया 18 बटे 12, दो से काटे तीन बार में, दो से काटे दो बार में, एसपी 3 आ गया, सीपी 2 आया, तो प्रॉफिट आपको 1 का हो रहा है। और जब बात करेगा प्रॉफिट परसेंट निकालने का, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100 एक बार में, और ये 50 बार में, और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए, ये बेमान दुकान वाला है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब कर क्या रहा दुकानदार, दुकानदार बोला है कि वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, मैं जितने का ला रहा हूं मैं उतने का ही बेच रहा हूं, लेकिन एक वो गलती कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो होशियारी कर रहा है कि 1 किलो के बजाय आपको कितना कर रहा है, 950 ग्राम ही आपको दे रहा है। इसका मतलब वो 950 ग्राम को क्या बना के बेच रहा है, 1 किलोग्राम मतलब 10,000 ग्राम बना के बेच, 1,000 ग्राम बना के बेच रहा है, ऐसे ही कर रहा है, ठीक है ना भाई। तो उसको प्रति 950 ग्राम में उसको 50 ग्राम का फायदा हो रहा है, 50 का फायदा, मतलब वो लिया 950 में, मतलब वो 950 ले रहा है, मतलब 950 तौल रहा है, और दे क्या रहा है बोल के, वो आपको बोल रहा है कि ये आपका 1000 ग्राम है, आपको इस तरीके से बोल रहा है। तो 950 को 1000 बना के बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हो, 50 हुआ, प्रॉफिट परसेंट बोलेगा, तो 50/950 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कटा एक बार में, ये 19 बार में, तो 100/19 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, ठीक। चलिए, क्वेश्चन आपको दिया है, एक व्यक्ति एक पुस्तक को 119 रुपए में बेचता है, यदि लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है तो आपको लागत में निकालना है, मतलब आपका जितना भी सीपी होगा और वही आपका प्रॉफिट परसेंट होगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपने वस्तु को 10 रुपए में खरीदा है, तो उस कंडीशन में अगर आपने 10 रुपए में खरीदा है तो उस कंडीशन में आपका लाभ भी यहाँ पर क्या होगा, 10% का होगा, ठीक है। समझ में यहाँ जो बोल रहा है, अ पर्सन सेल्स अ बुक फॉर ₹100/119 इफ द प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो मान लेते हैं हम सीपी को ले लेते हैं एक्स, प्रॉफिट परसेंट को ले लेते हैं एक्स, और हमारे पास जो एसपी आया वो कितना आया, 119, ठीक है भाई, ये हमारे पास 119 हमारे पास आ गया। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, सीपी प्रॉफिट परसेंट जो भी निकालना होगा, एसपी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, 119 बराबर मतलब एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक आया, ठीक, मल्टीप्लाई इधर किए तो 119 इक्वल टू 100x प्लस यहाँ पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। अब इस पार लेके चले गए सबको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 119 इक्वल टू यहाँ पर क्या हुआ, 0 हुआ, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 170x माइनस 70x माइनस 119 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो बचा x प्लस 170, माइनस 70 कॉमन लिए तो बचा x प्लस 170 इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो इसका मतलब या तो x प्लस 170 और x माइनस 70 इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 होगा, अगर ये वैल्यू 0 हुआ तो x कितना आया, माइनस 170, और अगर ये वैल्यू 0 हुआ तो x कितना हुआ, 70, माइनस में तो नहीं आ सकता है, तो 70 हमारा आंसर हुआ।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब ये तो हुआ, अब डायरेक्टली क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा लंबा मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं ऑप्शन को कंसिडर करके चलते हैं। अगर 30 सीपी हुआ तो प्रॉफिट परसेंट भी 30 होगा, तो उस कंडीशन पे ये कितना होगा, 30 × 130/100, ये कितना हुआ 39। लेकिन हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हमको यहाँ पे 119 चाहिए, तो इसमें जस्टिफाई, इसमें आंसर नहीं आ रहा है, इसमें भी आपका नहीं आ रहा, करके देखेंगे तो इसमें पॉइंट में आएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे 70 × 170/100 करके देखते हैं, तो ये कितना आ गया, उस कंडीशन पे 119 आया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको आगे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत बार ऐसा होगा जहाँ पर आपको ऑप्शन रख के आपको चेक करना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन आप पहले एक बार कर चुके हैं, वापस फिर से ले गए ताकि आप फटाक से उसको सॉल्व कर लें और आप कॉन्सेप्ट को आप भूले ना करके। एक कुकर को 16% लाभ पर बेचा जाता है, अगर उसे 20 रुपए अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता, तो बात सही है। आपको 16% की जगह जब आप 20% बेच रहे हैं तो आपको 4% का फायदा हो रहा है, आपको 4% का प्रॉफिट हो रहा है एक्स्ट्रा, और कितने रुपए अधिक मिल रहा है आपको, 20 रुपए अधिक मिल रहा है। तो सीपी अपन एक्स ले लेते हैं, तो ये जो x का जो 4% हुआ ना, वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो x इंटू 4/100 = 20, एक बार में और ये 25 बार में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 × 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500, ये हमारा उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। सिंपल से अपन समझते हैं, मैं एक वस्तु को 100 रुपए में खरीद के लाया, ठीक है, पहली बार अगर मैं उसको 120 में बेचा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, मुझे यहां पर 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर मान लो मैं उस वस्तु को, मान लो कि अगर मैं उस वस्तु को 80 रुपए में बेचा, तो उस कंडीशन पे यहां पर मुझे क्या होगा, उस कंडीशन पे मुझे यहाँ पे लॉस होगा, और वो लॉस कितने रुपए का होगा, 20 रुपए का लॉस होगा। बात समझ आए, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर मुझे उतना ही लाभ होगा जितना 80 में बेचने पर हानि, या एक वस्तु को 80 में बेचने पर मुझे उतना ही हानि होगा जितना 120 में बेचने पर लाभ, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो यहां पर क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस किए, कितना आया 200/2 कर दिए, कितना आ गया 100, देख लो आ गया 100। तो सिंपल सा है, जब भी बोलेगा प्रॉफिट और लॉस इक्वल होगा और आपको दो बार सेलिंग प्राइस देगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 625 + 545 किए, तो यहां पर ये कितना आया, सॉरी 545 है ना, 545 है, ये ना, हाँ ये हुआ 0, ये हमारे पास कितना हुआ 7, और यहाँ पे 1170/2 यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 6 बार में है ना, 6 बार में क्या, सॉरी 1100 ही है ना, हाँ ठीक है, 6 बार नहीं होगा, ये अपने पास क्या होगा, 5 बार में होगा, 2 है ना, 5 बचेगा 17, 8 बार में 585, ये हमारा आंसर होगा। अच्छा ऑप्शन नहीं दिया ना, अच्छा इसका ऑप्शन जो था ना वो एक्चुअली रिपीट हो गया, सॉरी ये जो ऑप्शन था ना ये अपना नन था, इनमें से कोई नहीं था ऑप्शन, ठीक है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नन ऑफ द अबव था, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 585, ये हमारा आंसर।
लेटेस्ट पैटर्न का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं अब आप ट्रेंड चेंज हो गया है, तो उस ट्रेंड के हिसाब से वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको सीख जाएगा, सीखने मिलेगा। क्वेश्चन आपको बोल रहा है, एक आदमी ने 1 रुपए में 2 की दर से कुछ संतरे खरीदा और 1 रुपए में 3 संतरे के बराबर संख्या में संतरे खरीदे। अगर मतलब 1 रुपए के 2 के हिसाब से अगर मान लो मैं 4 संतरे खरीदूंगा, उतने ही संतरे मतलब 4 संतरे ही खरीदूंगा 1 रुपए में 3 के हिसाब से, ठीक है। और मैं उसको कितने में बेचूं, प्रति दर्जन बोला ना, एक दर्जन बोल रहा है, एक दर्जन को मैं कितने में बेचूं कि मुझे कितने का लाभ हो, यहाँ पर कुल 20% का लाभ हो। बात कर रहा है एक दर्जन का, बात क्या कर रहा है, एक दर्जन का बात कर रहा है, प्रति दर्जन का बात कर रहा है। तो उस दर्जन में कितने होते हैं आपके पास, एक दर्जन में 12 संख्या होती, तो 12 संतरे आपके हो गए। तो 12 संतरे को हम बराबर बांटे तो यहाँ पर 6 संतरा और यहाँ पे 6 संतरा, ये 6 संतरा को मैं 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा, 1 रुपए में 2 संतरा खरीदा, तो इस 6 संतरे को खरीदने के लिए मुझे कितना रुपए लगेगा, मुझे यहाँ पे लगेगा 3 रुपए लगेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन बोला, बराबर संख्या बोला, तो अगर यहाँ भी 6 होगा तो यहाँ भी 6 ही होगा। 1 रुपए में 3 संतरे के बराबर खरीदा है, मतलब अब 1 रुपए में 3 संतरे के हिसाब से 6 संतरे लेने मुझे कितने रुपए लगेंगे, मुझे लगेंगे 2 रुपए। बात समझ रहे हैं, 1 रुपए का अगर 2 संतरा होगा तो 3 रुपए लगेंगे 6 संतरा ने, और 1 रुपए में 3 संतरा मिलेगा तो 6 संतरे के लिए आपको कितने रुपए लगेगा, 2 रुपए लगेगा। तो इस प्रकार टोटल आपको 3 और 2 आपको इस 12 संतरे मतलब एक डजन संतरे खरीदने में आपको कुल 5 रुपए लगे। 3 और 2 कितना हुआ, 5 रुपए आपको लगा, और आपको यहाँ पर क्या करना है, 20% का लाभ कमाना है। तो आप इसको कितने में बेचेंगे, 120/100, एक बार में 20 बार में, और ये कितना हो जाएगा, 6, ये हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ये आपका कंटिन्यूएशन वाला है कि प्रॉफिट एक हाथ से दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह से तीसरे के पास जाएगा, तो हो सकता है प्रॉफिट हो, आपको लॉस हो। राम ने एक गाय को, रहीम को 20% लाभ पर बेचा, वो उसे 20% लाभ पर बेचा, ठीक है। रहीम ने उसे क्या करा, 25% लाभ पर बेचा, और रॉबर्ट गाय के लिए 900 रुपए का भुगतान करता है, मतलब रॉबर्ट ने गाय खरीदी है लेकिन रहीम ने यहाँ पर क्या किया, उसको बेची। तो मान लेते हैं उस गाय का वास्तविक मतलब शुरुआती मूल्य कितना था, 100 रुपए था। पहले वाला बंदा कितना प्रॉफिट कमाया, 20% का, तो इसीलिए 120/100 क्या हुआ, 100। अब उसको 120/100 मतलब 120% में ये जितने का लाया है उसमें और 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो उसको कितना बेचेगा वाला बंदा, वो उसको बेचेगा 125/100, और इस प्रकार अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा, 900 रुपए का होगा। 20 6 बार में और 20 5 बार में, ठीक, 25 4 बार में और 25 5 बार में और 25 4 बार में, ये कटा, ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो x बराबर 900 × 2/3 एक बार में, और ये 300 बार में, 300 × 2 ये कितना हो गया, 600। तो इसका मतलब उस गाय का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 600 रुपये उस गाँव का लागत मूल्य। अगला बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं। 11 वस्तुएं 10 रुपए में खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपए में बेची, तो आपको निकालना है उसका लाभ या हानि पर से। तो जब बात क्रय मूल्य का करते हैं, जब क्रय मूल्य क्या करते हैं, तो उसने 11 वस्तु 10 रुपए में खरीदा, 11 वस्तु 10 रुपए में खरीदा, तो एक वस्तु वह कितने में खरीदा, एक वस्तु जो खरीदने का आएगा वो आएगा 10/11, ये पहला कंडीशन हमारे पास आया। अब जब बात बेचने की आ रही है, जब बात आपकी सेलिंग की आ रही है, तो सेलिंग में यहाँ पर क्या कर रहा है,
10 वस्तु को 11 रुपए में बेच रहा है, तो उस कंडीशन में तो सेकंड कंडीशन पे ये जो हमारा एसपी हुआ ये हमारे पास हुआ 11/10, ठीक है, 11/ क्या हुआ 10। तो हम देखते ही समझ गए हैं कि एसपी बड़ा है सीपी से, ये हम देख के यहाँ पर समझ गए। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है, तो 11/10 माइनस 10/11 लघुत्तम आपका हुआ 110, तिरे गुना किए तो 121 माइनस 100 बराबर 21/110, ये आपका क्या आया है प्रॉफिट आया है। और सीपी आपको दिया हुआ है 10/11, सीपी आपको कितना दिया हुआ है 10/11 आपको दिया हुआ है, और आपका प्रॉफिट 21/10 आया है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट होगा 21/110/10/11 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 11 आपका ऊपर चले जाएगा तो ऊपर बचेगा 21 × 11 और नीचे बचेगा 110 × 10 × 100 कटा 11 कटा तो बचा हमारे पास 21%, बचा हमारे पास कितना 21% का आपको यहाँ पर क्या हो रहा है प्रॉफिट आपको हो रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको एकदम आसान सा तरीका बताता हूँ इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए, यही था आपका क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पहले लेते हैं रुपए को और दूसरे में हम लेते हैं यहाँ पर वस्तु को, ठीक है। पहले में कितना रुपए बोला है, पहले में आपका बोला है 10 रुपए में 11 वस्तु, और दूसरे में आपको 11 वस्तु कितना रुपए 10, समझ में आया है ना, 11 रुपए में 10 वस्तु। याद रखना हमेशा रुपये को पहले लेना है, वस्तु को बाद में लेना है। यहाँ मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, ये हमारे पास पहला कंडीशन, तो यहाँ पर आया 121। ये हमारा दूसरा कंडीशन, यहाँ पर कितना आया 100, आपस में माइनस कर दिए। सेकंड कंडीशन में कितना है, सेकंड कंडीशन में आपका 100 है तो नीचे 100 लगा दिए और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये दोनों कटा, 121 में से 100 गया तो कितना बचेगा 21% का प्रॉफिट। अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर सपोज आपका आंसर माइनस में आता है तो आपको क्या होगा लॉस होगा, ठीक है। देखिएगा ये आपको अलग अलग भी कर सकता है, आपको ऐसा पूछ सकता है कि 15 वस्तुएं 20 रुपए में खरीदा और 12 वस्तुएं को 18 रुपए में बेचा, आपको ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, हमेशा याद रखना पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगा, पहले आपका सीपी का होगा, दूसरे में आपका एसपी का होगा, और पहले में रुपए ही आएगा और दूसरे में क्या आएगा वस्तु आएगा। इसका आप क्रम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्रम चेंज करेंगे तो फॉर्मूला आपको चेंज करना पड़ जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अ शॉपकीपर प्रेटेंड्स टू टेल हिम दैट ही इज सेलिंग एट द आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस बट ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% बाय रॉन्ग मेजरमेंट, फाइंड द वेट विच ही यूजिंग इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपको बोला है कि दुकानदार को यह बताने का दिखावा करता है एक वस्तु को उसके लागत मूल्य पर बेच है लेकिन गलत माप से 25% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम वजन की जगह वह कितने ग्राम का उपयोग कर रहा है, सिंपल सा है। अगर आपको बोलेगा कि वह बंदा X% का प्रॉफिट कमा रहा है और बोलेगा कि आपको वस्तु को उतने में ही बेच रहा है जितने में वहाँ पर क्या किया था लाया था, आपको ये बोलेगा तो हमको यहाँ पर क्या करना बोलेगा कि 1 किलोग्राम की जगह आपने उसने कितने का यूज़ किया। तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम मतलब कितना होता है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है, इनटू ये क्या हो जाएगा 100/ जो भी 100+ प्रॉफिट परसेंट होगा ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हम ये समझ जाएंगे कि वह 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम का यूज़ कर रहा है अपना, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू
100 अपॉन 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125, 25 चार बार में, 25 पांच बार में, 5 एक बार में, 5 200 बार में, 200 गुनी 4 कितना हुआ 800 ग्राम हमारे पास हुआ। तो वो 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का उपयोग कर रहा है। और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि उसे कितने ग्राम का फ़ायदा हो रहा है, कितने ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, 1000 को वह क्या कर रहा है 800 करके दे रहा है, तो उस कंडीशन पे कितना हो जाएगा उसे 200 ग्राम का क्या होगा बेनिफिट होगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, डिस्काउंट। ठीक है भाई, अब नए चीज का एंट्री हो गया, डिस्काउंट का एंट्री हो गया है। क्वेश्चन देख लो पहले, जो वर्ड आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट मतलब यहां पर क्या होता है छूट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है छूट। डिस्काउंट छूट इसका मतलब हमेशा क्या होगा, आपके पास एक एमपी होगा। एक एमपी मतलब क्या होगा, मार्क प्राइस होगा, ऐसा प्राइस जिसको हम लोग यहां पर क्या किया होता है टैग किया होता है, मतलब उस वस्तु पे उसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है, हम भारतीय कभी ऐसा नहीं करते बिना मोल भाव के हम कोई सामान तो लेते नहीं है, है ना, ये तो हमारा नियम है, धर्म जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा। तो हम वो जो रुपए लिखा है ना, हम क्या करेंगे उससे कम में लेते हैं। तो आपको सपोज आपने उसमें लिखा है 100 रुपए और आपको मिल रहा है 80 रुपए में, तो आपको यहाँ पर क्या हुआ, आपको 20 रुपए का बेनिफिट हुआ ना। तो यही जो होगा ये आपका क्या कहलाता है, डिस्काउंट होता है। तो याद रखना, डिस्काउंट आपका जो भी होगा कैलकुलेशन किस पे होगा, एमपी पे होगा, उसको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ का जो पहला प्रश्न है ये आपको बोला है, कमल बॉट एन आर्टिकल फॉर एट 25% डिस्काउंट, ही सेल्स इट फॉर ₹660 एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, पहली बात वह उसको 660 में बेच रहा है तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 660 में बेचा तो 10% का प्रॉफिट हुआ, तो इसलिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, उस वस्तु का जो सीपी होगा ना, सीपी कितना होगा, सीपी होगा 660 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 110 कटा 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 600। तो सीपी कितना आया 600, मतलब वह आदमी उस वस्तु को 600 में खरीदा। अब डिस्काउंट कितने का मिला, 25% का डिस्काउंट मिला भाई, डिस्काउंट भी तो मिला ना उसको, कितने का 25% का। तो इस एमपी पे डिस्काउंट मिला है 25% का, तो वह कितने में लाया होगा उसको, 75%, मतलब 75/100 में लाया होगा। और इस प्रकार वह उस वस्तु को 600 में लाया, 25 तीन बार में, 25 चार बार में, तो जो एमपी होगा वो होगा 600 गुणित 4/3 एक बार में, 200 बार में, 200 गुणित 4 800, ये हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, इसको आप सॉल्व करिए। बीस परसेंट छूट पर टेलीविजन खरीदा, अगर वह उसे 25% छूट पर खरीदता ऑब्वियसली आपका डिस्काउंट बढ़ गया। पहले आप 20% डिस्काउंट पे ले रहे थे और अब आप 25% का डिस्काउंट होगा, तो मतलब आप जो पैसा दे रहे थे पहले, आप 20% डिस्काउंट में इतना पैसा दे रहे थे, आप उससे कम पैसा देंगे जब आपको 25 का डिस्काउंट मिलेगा। क्यों, जब 20% का डिस्काउंट होगा तो आप उसको 80% में खरीद रहे थे, और जब 25% डिस्काउंट हुआ तो आप उसको उसके 75% में खरीद रहे हैं, तो आपको 5% का बचत हो रहा है। और ऐसा ही पूछ सकता आपको कि दुकानदार को 5% का घाटा हो रहा है, ये भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो आपके पास बचत हो रहा है, मान लो एक्स रुपए है, एक्स रुपए का बचत कितना आपके पास हुआ 5%, जो किसके बराबर है, जो आपके पास, जो आपका 500 के बराबर है। तो एक्स कितना हो जाएगा 500 गुणित 100/5 एक बार में, 100 बार में, 100 गुणित 100 कितना हो गया 10,000, ये हमारा वस्तु का अंकित मूल्य हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। मैं क्वेश्चंस कम करा रहा हूँ, सिलेक्टेड करा रहा हूँ, ताकि आपका ना बहुत ज़्यादा वास्ट ना हो। मतलब बहुत लोग ये करते हैं कि हम बहुत सारा पढ़ लें, बहुत सारा पढ़ लें, उसकी वजह हम क्या करेंगे, हम टारगेट ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम्स में पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, और उस क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो हम क्या करेंगे उसके बाकी कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। तो बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको ये मालूम है कि मुझे लिमिटेड कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आप जो आपके पास जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है स्टडी करने की, कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, वो आपका कम हो जाएगा। प्लस आपको क्या होगा, जो आपको अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है वो आपको बेनिफिट मिलेगा, और साथ में आपका क्या होगा, पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी आपका ठीक हो जाएगा। देखिए, ये बोल रहा है, एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर 20% मूल्य अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 5% का छूट देता है, तो उसको अपने प्रॉफिट निकालना या लॉस हो, दो भी हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस होता है। ऐसा मान लेते हैं परसेंटेज के बारे में बात हो रही है आपके, क्योंकि प्रॉफिट लॉस जो होता है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में होता है, तो हम 100 को बेस लेके चलते हैं, ठीक। तो वो क्या कर रहा है, पहले उसको 20% बढ़ा के रखा, तो उसका मतलब उसने क्या किया, 120/100 किया। अब उसके यहाँ पर क्या कर रहा है, अब उसमें छूट दे रहा है, कितने परसेंट का, 5% का, तो क्या होगा, 95/100। दुकानदार लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखे रहते हैं, और जब आप जाएंगे तो आपको बोलेगा थोड़ा कम करके देगा, उसके बावजूद वो क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो याद रखना, उसमें वहाँ बहुत कम कंडीशन होता है कि जहाँ पर दुकानदार के यहाँ पर क्या हो, लॉस हो। तो यहाँ पर ये दोनों कटा, ये दोनों कटा 20 से 6 बार में 20 से 5 बार में 5 से 19 बार में, 19 × 6 कितना आया, 114। मतलब हम 100 को बेस लिए थे, 100 का वस्तु हमने कितने में लिया, यहाँ पर 114 का कब बना के बेचा, 100 को हमने 114 बना के बेचा है दुकानदार ने, तो उसे कितना हो रहा है, उस कंडीशन में भी उसको 14% का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा हो। लास्ट में कुछ आपको अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा सरप्राइज पैक में। चलिए, ये इसी क्वेश्चन को उल्टा है ना, ऐसा क्वेश्चन था ना, इसी क्वेश्चन को उल्टा है। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 8% का लाभ कमाने के लिए ग्राहक को दी गई छूट कितनी है आपको, ठीक। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपको बोल रहा है दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रेट उसने कितना बढ़ा के रखा है, उसने रेट बढ़ा के रखा है कितने का, रेट आपको 20% बढ़ा के रखा है, 20% बढ़ा के रखा है, और अंत में उसको मान लो 8% का प्रॉफिट होगा, तो इसने कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो दिया होगा, डिस्काउंट परसेंट अपने को निकालना है ना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो जो बंदा है ना, 100 रुपये का हम ये लेके चलते हैं, 100 रुपये को अंतिम 8% प्रॉफिट पर बेच रहा, मतलब 100 को कितना बना रहा है, 100 को वो बना रहा है 108, 100 को कितना बनाया, 108, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ, मान लेते हैं एक्स परसेंट का डिस्काउंट दिया है, तो 100 में बढ़ा के कितना रखा है, 20, तो ये हुआ 120/100 इंटू, मान लो एक्स का डिस्काउंट दिया है, तो ये हो जाएगा 100 − x/, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100, और अंतिम मूल्य आपके पास ये आ चुका है, ये दोनों कटा, 0 0 यहाँ पे कटा, 12 एक बार में और 12 9 बार में, तो 100 − x = 9 दाम कितना हुआ, 90, तो हमारे पास x का मूल्य कितना आ गया, 10, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब 10% का वहाँ पर क्या उसने क्या दिया है, डिस्काउंट उसने दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं।
अब दुकानदार क्या कर रहा, क्रमिक छूट दे रहा है, एक के बाद एक छूट दे रहा है। अच्छा, क्रमिक छूट में ऐसा मत समझ लेना कि अगर सपोज दुकानदार आपको बोला है कि 50% और 50% का छूट है भाई, तो झोला धर के मत चले जाना कि फोकट नहीं मिलेगा करके, ठीक है? या समझना थोड़ा सा, जब क्रमिक डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट जब कंटिन्यूस में होता है ना, तो वो क्या होता है कि आपको जो रेट आपको रिबेट होके जो आपको लास्ट पैसा बचता है ना, उसमें फिर फर्दर डिस्काउंट कैलकुलेशन होता है। मतलब अगर सपोज पहले आपको 20% का डिस्काउंट मिला है और फिर आपको 30% का डिस्काउंट मिला है, अगर पहले आपको 20% का डिस्काउंट मिला है फिर आपको 30% डिस्काउंट मिला है, टोटल 50% का डिस्काउंट नहीं होगा। टोटल क्या हो जाएगा कि हम मान लेते हैं स्टार्टिंग, हम क्या मान लेते हैं स्टार्टिंग, अपन लोग क्या लेके चलते हैं 100। तो पहले 20 का डिस्काउंट हुआ तो ये कितना हुआ, 80/100 क्या हुआ, 100। फिर 30 का डिस्काउंट हुआ तो कितना हुआ, 70/100। अंत में ऐसा ऐसा इस तरीके से कटा, कितना बचा, 56। मतलब 100 का वस्तु आपको कितने मिला, 56 मिला है, तो आपको एक्चुअल डिस्काउंट कितने का मिला है, 44% का डिस्काउंट मिला आपको, ठीक है? तो वैसे आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पर दो बार आपको मिल रहा है 20% और 10% का छूट, और अंत में कितने बोल रहा है, 108 में बेचता है। दुकानदार बेचेगा तो आप खरीदेंगे, आप ये भी बोल सकता है कि आपने उसे अंत में 108 में खरीदा, ठीक है? तो एमपी मान लेते हैं एक्स रहता, पहले क्या था आपके पास, पहले आपके पास 20% का डिस्काउंट आया, तो ये कितना हुआ आपके पास, एक्स इंटू 80/100 इंटू 90/100, ऐसा करके अंत में आपको यहाँ पर कितने का पड़ रहा है, 108 में आपको पड़ रहा है, ठीक है? ये कटा, ये कटा और ये कटा, ठीक? तो x बराबर हुआ 108 गुणित 100 बटे 8 ने या कितना हुआ, 72। 36 तीन बार में, 36 दो बार में, 2 एक बार में, 2 50 बार में, 50 तीय कितना हो गया, 150। ये हमारा आंसर हो गया। अब शॉपकीपर क्या करा, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह 20% की छूट प्रदान करता है, ठीक है? 20 पर अधिक रख रहा है, 20 का छूट दे रहा है, तो उसके यहाँ पर उसका शुद्ध लाभ या हानि परसेंट। 100 को बेस ले लेते हैं, पहले वह क्या कर रहा है, 20% बढ़ा के रख रहा है, तो कितना हुआ, 120/100। फिर क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, कितने का, 20% का, तो ये कितना होगा, 80/100। कटा 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 कटा, 12 अट्ठे क्या हुआ, 96। इसका मतलब 100 के जो वस्तु है उसका अंतिम कितना हो गया, 96 हो गया, तो कम हो रहा है ना, 4% कम हुआ, तो इसका मतलब उसे क्या हो रहा है, दुकानदार को 4% का क्या हो रहा है, लॉस आपका हो रहा है, ठीक? एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, जब वह वस्तु बेचता है तो कुछ छूट प्रदान करता है, जिस कारण परिणाम स्वरूप उसे 1% का हानि होता है, ठीक है? एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है और जब वस्तु को बेचता है ना तो कुछ छूट दे रहा है और उसके बाद उसको क्या हो रहा है, 1% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब अगर मान लो वो स्टार्टिंग मान के अपन लेके चलते हैं 100, तो 100 में क्या किया है, उसको 1 का लॉस हो रहा है, तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य अपन लोग क्या लेके चलते हैं, 99। बात समझ में आ रहा है, रेट को कितना परसेंट बढ़ा के रखा है, 10% बढ़ा के रखा है, तो इसीलिए 110/100। मान लेते हैं वो डी परसेंट का डिस्काउंट दिया, एक्स परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 100-x/100, ये हमारे पास आ जाएगा, इक्वल टू क्या बचा, 99। कटा कटा, ये कटा ये कटा, 11 एक बार में, 11 9 बार में, तो 100-x बराबर होगा 90 और x बराबर क्या होगा, 100 में से 90 गया तो कितना बचेगा, 10%। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10% हमारे पास आ गया। ठीक, ये था अंतिम प्रश्न, ठीक है? अब सरप्राइज पैक में आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन है ना? पहला, दुकानदार एक वस्तु पे लिखा हुआ है 500 रुपए, उस वस्तु का एमपी है, ठीक है? आप गए दुकानदार से बोले कि मुझे 40% का डिस्काउंट चाहिए,
लेकिन दुकानदार क्या बोल रहा है कि भाई मैं 40% की जगह मैं आपको 20% के मैं आपको 2 डिस्काउंट दे देता हूं, ठीक है ना भाई। आप गए मांगने के लिए कितने परसेंट का, आप 40% डिस्काउंट मांगने गए, लेकिन दुकानदार क्या बोल रहा है आपको 40% या मैं आपको 20% के 2 डिस्काउंट दूंगा। तो इस दोनों कंडीशन में किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ, कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस हुआ, ये देखते हैं। अगर पहले मैं 40 का डिस्काउंट लिया, पहले अगर मुझे 40 का डिस्काउंट मिला तो मुझे सामान 500 × 60/100, तो इसका मतलब मुझे सामान कितने में मिलता, मुझे सामान 300 रुपये मिलता, मुझे सामान 300 मिलता और दुकानदार उसको 300 में बेचता, ठीक। अब अगर सपोज मुझे 20% और 20% के 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा, 500 का था 20 का डिस्काउंट तो 80/100, फिर 80/100, देखिए क्या फर्क होगा, 64 × 5 = 320। तो अब मुझे सामान कितने का पड़ रहा है, 320 रुपये का पड़ रहा है, और ये 40% है ना, 40% किसके बराबर हो रहा है, 20 और 20 मिलाएंगे तो सेम वही परसेंट। आपको यहाँ ऐसा भी कर सकता है कि आपको 25% दिया और आपको यहाँ पर 15% दिया, आपको ये भी कर सकता है। अक्सर क्या करेगा, आपको ये जो परसेंट देगा ना और यहाँ पे जो दो अलग अलग परसेंट देगा, दोनों को योग करेंगे तो हमेशा इसके परसेंट के बराबर आएगा, ऐसा हमेशा करेगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम क्लियरली, हम देख रहे हैं कि पहले सामान आपको 300 का पड़ रहा था, अब आपको 320 का पड़ रहा है, तो दुकानदार को 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ और आपको 20 रुपये का लॉस हुआ, हुआ आपको, आपको 20 रुपये का लॉस और 20 रुपये प्रॉफिट हुआ। अब ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, डायरेक्टली हम कैसा कर सकते हैं कि ये हम समझ गए हैं कि ऐसे कंडीशन हमेशा क्या होगा, शॉपकीपर को क्या होगा, बेनिफिट होगा, और जो लेने जाएगा कस्टमर उसको यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस प्रॉफिट कितने का होगा, जो आपको 2% दिया हुआ है ना, आप 500 × कितना परसेंट दिया है, 20% दिया है, तो 20/100 ऐसा आपको दो बार दिया तो हम दो बार कर लेते हैं, ये कटा, ये कटा, ठीक। बचा कितना, 5 × 10 = 10 कितना हुआ, 20। तो आपको समझ रहे हैं कि 20 रुपये का आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ, और दुकानदार को 20 रुपये का फायदा हुआ, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन अपन लोग करते हैं ऐसा। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं। अब मान लो आपका जो वस्तु था 100 रुपये था, कितना रुपये था, 100 रुपये था, ठीक है। आपने उस रेट को 40% अधिक मार्क किया, ठीक है ना, समझना कॉन्सेप्ट, समझना यहां से बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। 40% आपने अधिक मार्क किया और आप 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। 20% का आपने क्या किया, प्राइस को डिस्काउंट किया है, तो क्या बनेगा, सीन क्या बनेगा, 100 × 40 अधिक किया है तो 140/100, 20 का डिस्काउंट दिया तो 80/100, ठीक है ना, कटा कटा ये कटा और कितना हुआ, 100 का ये बना 112। तो हमको एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है, 12% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। बात समझ रहे हैं, 12% यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं इसको इनवर्स में ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं रेट को कितना परसेंट अधिक रखूंगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको जो आपका रेट होगा ना, उस रेट को मैं कितना परसेंट अधिक रखूंगा, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 - डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखेंगे, अब हम यहां पे देखते हैं तो क्या बन रहा है, यहां पर हम देख रहे हैं तो डिस्काउंट कितने का मिला आपको, 20% का डिस्काउंट मिला है, प्रॉफिट आपको कितने का मिला है, प्रॉफिट आपको 12 का मिला है, तो 20 + 12/100 में से 20 गया तो क्या बच जाएगा, 80,
और ये मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो कितना हुआ आपके पास, 32 बट्टे 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कटा एक बार में, चार बार में, 40%। क्लियर हुआ? ठीक। जब डाउट सेशन आएगा तो आपके जितने क्वेश्चन है ना, सपोज आप अलग अलग बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो भी आपके प्रॉफिट लॉस के होंगे, जो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक, या फिर कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो आपसे बन नहीं रहे हैं, जहाँ प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप हमारे जो लाइव डाउट सेशन जब मैं आऊँगा शनिवार को सुबह 8 बजे, तो उसमें मुलाकात हम करेंगे। उसमें अब आगे सीरीज कंटिन्यू रखेंगे अपन लोग। सीरीज़ का एक भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि एक सीरीज़ में बन रहा है और एक टॉपिक दूसरे से को रिलेटेड है, और ऐसे क्वेश्चंस को हम लेके आ रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछने की आपकी संभावना बहुत ज़्यादा है, और हमने कंटेंट को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। बेनिफिट ये होगा कि आपको बहुत वास्ट और बहुत ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको काम के पढ़ने हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।